धन्यवाद मैडम स्पीकर। मेरे सोलापुर संसदीय क्षेत्र में वैसे तो सभी गांव में सड़कों की हालत बड़ी गंभीर है, मगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन 17 गांव के सड़कों की तरफ जो पंडरपुर तहसील में आते हैं। वो इसलिए क्योंकि 2 महीने पहले इन 17 गांव के लोगों ने हजारों की तादाद में सोलापुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला था। अवैध तरीके से यहाँ के पे रेती की यातायात होती है। कल ही पोहर गांव के लोगों पर रेती के ठेकेदारों ने हमला किया था। मगरवाड़ी, तारापुर, कोंडार की, चढ़े, खरसोली, फुल चिंचोली, पुळूज, विटे, पोहरगाव, आंबे, सरकोली, शंकरगाव, आंबे चिंचोली, पुळूजवाड़ी, नड़ी, ओझेवाड़ी, नेपतगाव, इन 17 गांव के लोगों के सड़कों की वजह से सभी लोग त्रस्त है। मुझे खुद को आंबे चिंचोली से पुळूज 5 किलोमीटर का रास्ता पार करने को आधा घंटा लगा था। गाड़ी भी खराब हो गई थी। अगर बीच में कोई बीमार पड़ जाता है तो दवाखाने, अस्पताल भी नहीं ले जा सकते। इतनी खस्ता हालत है। आपको, आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार को प्रार्थना करता हूँ कि सेंट्रल रोड फंड मंजूर करके इन 17 गांव के सड़कें पक्की बनाई जाए। थैंक यू। श्री राहुल।